एवरीवन, वेलकम बैक टू गोवा हेडलाइन। निकले तो हम केरी फुटब्रिज के लिए थे, लेकिन रास्ते में ये जो सुंदर सा माहौल देखा और सुंदर सा व्यू देखते ही हमने सोचा कि आपको ये व्यू दिखाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रिज है जो मेनली कनेक्टिविटी के लिए है, जो आगे गाँव है उन गाँव से कनेक्ट करने के लिए है। बट इस नदी का व्यू इतना सुंदर है कि आप एक बार के लिए यहाँ पे रुक के 2 मिनट की शांत मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हो। आप आगे देख सकते हो, ये लैंडस्केप इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये परफेक्ट एग्जांपल है जो आप गोवा में नेचुरल ब्यूटी ढूंढते हो। ये आसपास गांव है, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी ही दिखेगी जो आप एक्चुअली, अगर आप नेचर लवर हो तो गोवा में देखने के लिए आ रहे हो। ये एक परिया गांव है, सांकलिम से परिया गांव की तरफ आते हुए ये रास्ते में ये जगह है जहाँ पे, और ये जगह आपके केरी फुट ब्रिज के रास्ते में भी पड़ेगा। हमें केरी फुट ब्रिज पहुँचते पहुँचते सनसेट हो गया और ये रास्ता है। यहाँ से आप सामने देखोगे तो सामने आपको केरी फुट ब्रिज का पूरा व्यू दिख रहा होगा। फाइनली हम केरी फुट ब्रिज पे हैं। वहाँ से जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था ये है। अगर आप, मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो फुट ब्रिज आप हर जगह इंस्टाग्राम, हर जगह सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जो आप सुन रहे हो, एक्चुअल में ये ब्रिज है ही नहीं। यस, डोंट बी सरप्राइज, बट ये एक कैनल है। अब ये कैनल बनाया भी क्यों गया था इसको मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यस, जैसे मैं बोल रही थी, ये एक कैनल है। यहाँ पे आप देख सकोगे कि ये बहुत ही ऊंचे पे है और इसके नीचे एक नदी बहती जा रही है और नीचे काफ़ी सारे गांव भी हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से आप देखो तो ये नदी आपको दिखेगी और नदी के पैरेलल में ही आपको गांव दिखेगा। और इसके नीचे अगर आप देखो, इस कैनल के नीचे, तो ये पूरा जगह खाली है, कैनल है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक्चुअल में ब्रिज नहीं है और इसके बीच में हॉलो स्पेस है। ऊपर प्लेटफॉर्म है, नीचे है और बीच में से पानी बह रहा है। और इस यहाँ पे ब्रिज निर्माण करने की क्या ज़रूरत पड़ गई और इस कैनल को ब्रिज की शेप देना पड़ा, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो ये पूरा एक गांव है। इसीलिए आपको यह ये ब्यूटीफुल सा व्यू मिल पाता है, क्योंकि ये जो नारियल के पेड़ जो बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा ये ऊपर ब्रिज बनाया गया है ताकि नीचे जो गांव है वो आराम से अपने रोज मर्रा के काम कर पाए और ये ब्रिज जो नीचे नदी बहती है वो अपना बहती रहे और जो गांव वाले हों उनको कोई बिना प्रॉब्लम हुए, इस गांव के लोगों को प्रॉब्लम दिए, जो आगे जो गांव है, जो आगे आपको सनसेट के लिए शायद इतना क्लियर न दिख रहा हो, बट आगे जो गांव है उस गांव में इस पानी को पहुंचाया जा सके। अब आप मुझसे ये पूछेंगे पानी आ कहाँ से रहा है, तो आपने गोवा में रहते हुए मांडवी जुवारी तो नाम सुने होंगे, क्योंकि ये नदियाँ हैं गोवा की। बट इनके अलावा भी और भी काफ़ी नदियाँ हैं गोवा में, जिसमें से एक है वाड़वंटी नदी। और ये वाड़वंटी नदी पे केरी डैम, जो चोरला घाट के रास्ते पे आपको मिलेगा, वो डैम से पानी यहाँ इस गांव में पहुँचाया जाता है। और वसी डैम का पानी पहुँचाने के लिए ये फुटब्रिज बनाया गया है। यहाँ के लोकल से बात करके हमें पता चला, आगे जो ये आपको पूरा पहाड़ दिख रहा है, इसको आजोबा चिरान बोलते हैं। आगे आजोबा का मंदिर भी है, जो यहाँ का राखनदार यानी इस गांव की देखभाल करता है। और जब शिगमो होता है उस टाइम पे लोग जाते हैं ऊपर, और बाकी टाइम लोग वहाँ पे जा नहीं पाते, क्योंकि बोला ये जाता है जो आजोबा, ऑल्दो वो आपको दिखेंगे नहीं, इट्स नॉट अ ह्यूमन, एक आप बोल सकते हो स्पिरिट है, एक देवी है इस गाँव के, जो प्रोटेक्टर है, राखनदार यानी प्रोटेक्टर बोला जाता है उसको, वो आपको नीचे नहीं आने देंगे। तो ऑल्दो आपको एडवेंचर करने का मन करेगा यहाँ पे आके देखते कि हम तो जा सकते हैं ऊपर, और लेकिन ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ के गांव के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं और हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
चलते चलते बात करते करते हम केरी ब्रिज के सेकंड जो पार्ट है उस तरफ हम आ गए हैं। हम कहीं वहाँ से चले थे। अभी आप देख सकते हो सनसेट काफ़ी क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है बेस्ट टाइम आने का सनराइज़ के टाइम पे है। हॉल तो ज़्यादातर जगह सनसेट के लिए फेमस होती है, बट ये जगह सनराइज़ के लिए फेमस है, क्योंकि इन माउंटेन्स से पीछे से जब सनराइज़ होता है तो वो देखना एक ब्यूटीफुल सा, एक बहुत ही एडवेंचरस नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगा आपको। और इसके नीचे आप देखो तो एक जो ओल्ड पुराना गोवा जैसा होता है एंशियंट, वैसा एक आपको पिक्चरिस्टिक व्यू दिखेगा यहाँ पे, नीचे से रोड जाते हुए और साइड में गांव और ये हमारा फुट ब्रिज। और ये कुछ इस तरह से एंड आपको दिखेगा। और मैं जो आपको पानी बीच बीच में ब्रिज में जो दिखा रही थी वो आप देख सकते हो यहाँ पे कैनन के थ्रू आ रहा है। बट ओनली थिंग इज दैट आप इस पे आके अपने सेल्फीज ले सकते हो। अभी तो ये मोर देन कैनन, ये एज अ सेल्फी स्पॉट ज़्यादा फेमस है। कैन सी आगे एक फ़ोटोशूट चल भी रहा है। मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वहाँ पे तक नहीं जाके दिखा रही। बट या दिस इज़ द वन वे ऑफ यूजिंग दिस ब्रिज। और यहाँ पे फ़ोटोज़ तो बहुत मस्त आती हैं। और बेस्ट टाइम टू विज़िट अगर आप देखो तो मॉर्निंग टाइम है, बट अगर आप सनसेट पे भी आप आओ तो ये सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी ये ब्रिज आई गेस और 1920 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली पहले बनाया गया है, जब वो डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पानी को फैसिलिटेट किया जा रहा था गाँव में, उसी टाइम पे वो डैम के बाद इस कैनन को बनाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है।